हाय गाइस, आज हम बना रहे हैं सैंडविच। आप देख सकते हैं कैसे बनाते हैं हमारे घर में सैंडविच की रेसिपी। ये है तंदूरी सॉस, इसमें हमने मेयोनीज लगा दिया है। ये सब वेजिस काट के रखी हैं मैंने। अब हम थोड़ा अमूल बटर यूज़ करेंगे, सब में थोड़ा थोड़ा लगाएंगे। और आप भी बताइए कि हम कैसे सैंडविच बना रहे हैं, और आपके यहाँ पर ऐसा बनता है तो कमेंट करके बताइए। और टू चटोरों को लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। और फूड ब्लॉग को सपोर्ट करिए। और अगली आवाज़ आपकी आएगी हमारे चटोरा नंबर टू की। हाय गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग। टू चटोरे, देखिए वेजीज कितनी अच्छी होती है। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर रहे हैं। ये है प्याज। सॉरी, मुंह से निकल गई। सॉरी बाबू। लच्छा प्याज की तरह काटा हुआ है हमने, देख सकते हैं आप। ये है रिच प्याज, बहुत गरीब है पर है रिच। ये हमने प्याज सजा दी है अच्छे से, ऐसे सजाई जैसे आप अपने दुल्हन सजा रहे हो। और ये है शिमला मिर्च। शिमला से गया था मैं कल, आज ही लाया हूँ मैं। शिमला का राजा शिमला मिर्च। देखिए गाइस क्या जूसी शिमला मिर्च। ओह माय गॉड, टमाटर आ गए। टमाटर कम पड़ गए हैं इसलिए हमने एक ही रख दिया है, जिसके नसीब में आएगा उसका भाग खुलेगा। गाइस देखिए ये है तंदूरी सॉस। और ये देखिए पास्ता पिज्जा सॉस, पिज्जा का है, पिज्जा सिसलिंग, ये सिसलिंग जा रही है सब में। अमूल बटर, ये देखिए प्रो बंदे। ये ऐसा काम करना बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। कोई नहीं, आपको ठेला खिला देंगे। कोई बात नहीं है, ठेले वाले से। और गाइस पनीर भी रखा है, गाइस पनीर डाल लेते हैं। पनीर ना, झूठ मत बोल। पनीर में रखा है गाइस, पनीर, पनीर रखा है। वाओ गाइस, ये होममेड पनीर है, हमारी मम्मी ने बनाया है। और आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। नॉट बैड, घर का पनीर भी अच्छा होता है। ये घर का पनीर है तो उसके स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, उसको हम ऐसे ऐड करेंगे, देख सकते हैं आप। अब ये इसकी स्टफिंग पूरी हो गया, हम इसमें हल्का सा सॉल्ट ऐड करेंगे। ये सॉल्ट आप देख सकते हैं, बिल्कुल माइनर सा करेंगे टेस्ट के लिए। और सबके बस्ते बंद कर देंगे। और ये अब होएगा, सिका जाएगा, होम स्टाइल तवे पे सेका जाएगा। ये आप देख सकते हैं कैसा सिकेगा। गाइस हमें इसके लिए कोई ओवन नहीं चाहिए, कोई सैंडविच मेकर नहीं चाहिए, आप इसे इजीली तवे पे बना सकते हैं। और बहुत टेस्टी है, आप खा के देखेंगे ना, बहुत टेस्टी बनता है। हम हर हफ्ते इसको एक हफ्ते में 3-4 बार बना लेते हैं। इतना क्रिस्पी, इतना यम्मी आपने कहीं नहीं खाया होगा। होममेड स्टाइल। आवाज आ रही होगी साउंड की। अच्छे से प्रेशर आउट कर दीजिए जिससे कि सारा सामान एक दूसरे से ग्रिप हो जाए। देख सकते हैं आप कितना क्रिस्पी हो गया है। अब इसमें एक देसी जुगाड़ करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा। देखा नहीं होगा, आपने कहीं नहीं देखा होगा। गाइस ये है एक नॉर्मल सी प्लेट, आप इसको उसके ऊपर रख दीजिए, थोड़ा सा पानी लेकर इसके ऊपर रख दीजिए। इससे ये क्या होगा, ये आपका एक तरीके का, यह है मिनी ओवन। मिनी ओवन ओपन नीचे मेकर बन सकता है। दोनों के साइड प्रेशर पड़कर अच्छे से कुरकुरा हो जाएगा हमारा सैंडविच। जब तक लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी शॉर्ट्स वीडियो भी देखें। गाइस हम चेक करने वाले हैं। ओह माय गॉड, ये कितना क्रिस्पी है आपको पता नहीं है। देखिए गाइस आप इसकी ये देसी जुगाड़, ये हमारी मम्मी का बनाया हुआ है। ट्राई करो घर पर।